जीत हरियाणा में मिली है मगर इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकाल दी। हरियाणा में उस हवा का रुख भी बदल दिया जो बीजेपी के खिलाफ चल रही थी। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। हरियाणा में पहली बार एट्रिक वाली सरकार बनाकर बीजेपी ने आखिर क्या साबित किया है? इस जीत के क्या मायने हैं? देश के सियासी माहौल में हरियाणा के नतीजे क्या गुल खिलाएंगे? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरियाणा ने देश को क्या संदेश दिया है। हरियाणा में हिस्ट्री हैट्रिक वाली विक्ट्री। जाट लैंड का जनादेश, आगे क्या है संदेश? नतीजे नहीं रास, आगे क्या आस? कहने को तो सिर्फ एक राज्य का चुनाव था मगर इसका असर दूर तलक जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष एकजुट होने की गारंटी दे रहा था वो दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा आते आते हांफ गए, बिखर गए। 24 के आम चुनाव ने विपक्ष को संजीवनी दी। राहुल गांधी किसी जन नेता की तरह कैंपेन कर रहे थे। बदले माहौल ने बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया था मगर हरियाणा की ऐतिहासिक जीत ने मानो बीजेपी को पावर बूस्टर दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल पूरे 5-5 साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। हरियाणा के नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस की सुनामी का ट्रेलर दिखने लगा मगर चंद घंटों के बाद बीजेपी ने ऐसी वापसी की कि मानो सुनामी को सांप सूंघ गया। जो कांग्रेस बहुमत से कहीं आगे निकलती दिख रही थी वो पिछड़ती चली गई। ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। हरियाणा में पीएम मोदी ने सिर्फ 4 जनसभाएं की, ऐसा अमूमन नहीं है। सियासी पंडित 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की दुहाई दे रहे थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा पाए, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी ने ऐसी किलेबंदी कर रखी थी जिसका खुलासा चुनाव नतीजों के बाद हो सका। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। हरियाणा में जो प्रचंड जीत मिली उसके दरअसल मायने क्या? आखिर एक राज्य की जीत बीजेपी को इतना उत्साहित क्यों कर रही है? ऐसा यूं ही नहीं, ये जश्न सिर्फ हरियाणा की जीत का नहीं, ये जोश आने वाले चुनाव के लिए मिली संजीवनी। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह से भर गए। आने वाले चुनाव के लिए संजीवनी मिल चुकी है ये उन्हें पता है।
महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल चुनाव होंगे। अगले साल बिहार और दिल्ली में भी चुनाव होंगे। हरियाणा की जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, अगले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी नए उत्साह के साथ मैदान में उतरने जा रही है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा काम नहीं आया तो कहा जाने लगा कि कमल अब वो कमाल नहीं दिखा सकेगा। आम चुनाव के बाद विपक्ष भी एग्रेसिव मोड पर था, मगर हरियाणा के चुनाव ने सारी धारणाएं ध्वस्त कर दी। बीजेपी ने बता दिया कि मोदी तो हरियाणा में हैट्रिक ही मुमकिन है। समझिए कि हरियाणा के जग बीजेपी पूरे देश को क्या समझा रही है। अव्वल तो लोकसभा में प्रदर्शन वाली निराशा दूर, नए सिरे से आगे बढ़ने की संजीवनी मिली, सीधे वोटर से बीजेपी कनेक्ट हुई, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल, विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर किया। बीजेपी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की, जाट फैक्टर का गैर जाट से काउंटर कर दिया, जाति कार्ड को फेल कर दिया, डबल इंजन की अहमियत बताई, हरियाणा की जीत से नैरेटिव बदल गया। हरियाणा की जीत से नैरेटिव को ही बदल, हरियाणा के नतीजों ने मानो कांग्रेस की नींद झकझोर कर तोड़ दी। वापसी का सपना नींद टूटते ही काफू हो, जैसे जैसे नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए वैसे वैसे लोकतंत्र की हार वाला नैरेटिव स्ट्रांग होता चला। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा में मिली हार आने वाले चुनाव में कांग्रेस को खूब सताने वाली, उसे खुद सहयोगी पार्टियों से झटके मिल सकते हैं, सीटों की दावेदारी घट सकती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और दिल्ली से लेकर बिहार तक समझौता करना पड़ सकता है। इस हार के बाद गठबंधन में कांग्रेस का स्टेक घटेगा, राहुल के बढ़ते कद पर इसका असर देखने को मिलेगा। गठबंधन के पार्टनर्स कांग्रेस से मोलभाव करेंगे, कम सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, महाराष्ट्र और झारखंड में दावेदारी कम होगी, बिहार और दिल्ली में भी इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हरियाणा के जरिए कुल मिलाकर बीजेपी ये बताने में कामयाब होगी कि भले ही हवा खिलाफ बह रही है मगर ग्राउंड रियलिटी इसके उलट भी हो सकती है। मोदी का मैजिक जस का तस बना हुआ है, चुनाव कहीं भी मोदी है तो जीत झोली में। हम लोग गांव में थे, खेती में थे, रास्ते में थे, छोटे बैठक में थे, कांग्रेस जश में थे, ये दोनों अंतर हैं। इसलिए जश में जो थे उनको मालूम नहीं चलता गांव में क्या हो रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है और किचन में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कैडर है, बूथ का संगठन रचना है, कांग्रेस के पास नहीं। कांग्रेस ने तो, मैं तो प्रभारी रहा हूँ 1.5 साल, कांग्रेस ने तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमेटी बना नहीं पाया था, डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं, मंडल कमेटी नहीं, बूथ कमेटी नहीं, कुछ भी नहीं है, चल रहा है हवा में। बीजेपी को बदनाम करो, झूठ बोलो, आज किसान ने भी जवाब दे दिया, नौजवान ने जवाब दे दिया, अग्निवीर ने जवाब दे दिया, हरियाणा के आम जनता ने जवाब दे दिया। हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था, जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, महिला हो, मजदूर हो, मतदान के दिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये मोदी सरकार की नीतियां जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को फायदा देती हैं, और यही नहीं, कांग्रेस का जो खटाखट 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 मॉडल फेल हुआ है, औंधे मुंह गिरा है,
हिमाचल प्रदेश की फेल्ड गारंटियों से लेकर कर्नाटक तेलंगाना में हांफ रही कांग्रेस, इसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा। हरियाणा ने इंडिया गठबंधन का हौसला भी तोड़ दिया। सभी कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त थे। हर कोई यही सोच रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा से अच्छी खबर जरूर आएगी, जिसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और झारखंड बिहार तक जाएगी। रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म। हरियाणा में हिस्ट्री वाली विक्ट्री बीजेपी को बाजीगर साबित कर दिया। बीजेपी ने दिखा दिया कि हारी बाजी को जीतना उसे आता है। अगले चंद महीनों में हरियाणा के नतीजों का असर दिखने ही वाला है। इस जीत की संजीवनी लेकर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर उतरने वाला है। मोदी मैजिक के साथ नया कमल संदेश देश के दूसरे राज्यों में जाएगा, ये तय। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।